आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है कलायत से, जहां गांव जुलानी खेड़ा में चौधर के लिए टकराव जो है वो अब देखी जा रही है। दुष्यंत चौटाला और कमलेश झांडा के समर्थकों के बीच दो भावी उम्मीदवारों के समर्थकों ने जंग का बिगुल फूंक दिया है। तो ये बड़ी खबर, जहां सरपंच चुनाव से पहले वोटों पर लेकर अब बवाल हो गया। वोटों को लेकर तूतूमेमे से शुरू हुआ विवाद पथराव में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के 10 लोग जख्मी हो गए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कलायत से, जहां पर गांव जुलानी खेड़ा में चौधर के लिए टकराव देखा गया। दुष्यंत चौटाला और कमलेश झांडा के समर्थकों के बीच यहां पर टकराव हुआ और दो जो उम्मीदवार भावी उम्मीदवार हैं उनके समर्थकों ने जंग का बिगुल जो है आपस में फूंक दिया। हल्की यहां पर बवाल जो शुरू हुआ, बहस शुरू हुई, इसके बाद पथराव तक बात पहुंच गई। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जयपाल हमारे संवाददाता। जयपाल बताएं, ये आखिर पूरा मामला है क्या? अरुण बता दें कि कैथल के जो कलायत हल्का है, जहां से जो राज्य मंत्री कमलेश डांडा है, वो यहां से जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, और उनके हल्के में एक गांव पड़ता है जुलानी खेड़ा, जहां पर जो है राज्य मंत्री कमलेश डांडा के समर्थक और जो दुष्यंत चौटाला के जेजेपी पार्टी के जो समर्थक हैं उनके बीच जो चौधर की लड़ाई समय जो चल रही है। जिस बीच बता दें कि आगामी जो पंचायती चुनाव आने वाले हैं, गांव में जो तनावपूर्ण जो माहौल जो बना हुआ था कई दिनों से, उसी बीच आज दोनों जो पक्ष हैं उनके बीच में जो है आपसी तूतूमेमे हुई और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जो ईंट पत्थर वगैरह भी जो एक दूसरे पे फेंके गए। और इसमें बता दें अरुण की जो 10 लोग हैं वो जख्मी हो गए हैं, कम से कम जो 3-4 लोग हैं उनको पीजीआई रेफर किया गया है। अरुण बिल्कुल, तो किस तरीके से अब इस फिलहाल जो परिस्थिति बनी हुई है वहां पर हम पुलिस की मौजूदगी भी देख रहे हैं, तो अब फिलहाल किस तरीके से वहां बात हो रही है? जी अरुण बता दें कि मौके पर जो है डीएसपी जो सज्जन सिंह है वो अपने पूरे दलबल के साथ जो इस समय मौजूद है। इस समय जो स्थिति है वो तनावपूर्ण नहीं है। फिलहाल जो एसपी साहब की संज्ञान में जो मामला आया तो तुरंत उन्होंने फौरन जो यहां से फोर्स भी वहां पर भेजी है। लो एंड मेंटेन की जो स्थिति है वो कायम है, परंतु आगे कुछ भी अभी नहीं कहा जाता क्योंकि जो मामला है वो राजनीतिक जो है वो गलियारों में भी चर्चा का विषय बना है। क्योंकि एक तरफ जो राज्य मंत्री कमलेश डांडा है जो बीजेपी की जो मंत्री है, उधर से जो दुष्यंत चौटाला जो सरकार जो जिनके सहयोगी है, दोनों तरफ से जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है झुकने को तैयार नहीं है। फिलहाल अभी क्या कुछ आगे होने वाला है तो समय बताए, परंतु इस समय जो है तनाव की स्थिति नहीं है। इसमें अगर जयपाल इसके थोड़ा और अंदर जाएं और समझने की कोशिश करें तो बवाल की शुरुआत कहां से होती है, पहली शुरुआत किस तरफ से होती है और क्या वहां पर मुख्य बात निकल करके सामने आती है? बता दें कि जो बवाल की तो चौधर की जो लड़ाई है, आप देखते हैं कि गांव में जो है ज्यादा चौधर का जो मामला होता है। हाँ। जहां पर कोई ना कोई हर पक्ष के जो है हर पार्टी के लोग जो मौजूद रहते हैं, परंतु जो गांव की अगर बात की जाए तो जाट बहुमूल्य जो गांव है वहां पर, और चौधर की लड़ाई है। दो पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आपस में एक दूसरे की मूंछ की लड़ाई का सवाल उन्होंने बनाया हुआ है सरपंची के चुनाव को लेकर, ये मामला बताया जा रहा है। अरुण चलिए, बहुत शुक्रिया जयपाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ दो भावी उम्मीदवारों के लिए ये तूतूमेमे हो गई, झगड़ा बढ़ा तो एक पत्थर भी वहाँ चल गए और 10 लोग इसमें जख्मी हो गए। बताइए ये किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं चुनाव को लेकर, और ये सिर्फ और सिर्फ पंचायत चुनाव को लेकर हैं, इसमें कि किसे कैंडिडेट बनाया जाए और क्योंकि दोनों पार्टियों के बड़े नेता उस क्षेत्र को में दमखम अपना रखते हैं, तो ऐसे में अब दोनों ही के समर्थक ये चाहते हैं कि भाई उनका कैंडिडेट जो है वो उनका व्यक्ति जो है वो कैंडिडेट बने, तो ऐसे में ये जो है टकराव यहाँ बन गया और ईंट पत्थर चले, 10 लोग जख्मी, 3 PGI रेफर।